रामनगरी अयोध्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सराहनीय पहल शुरू की है। दिव्यांग छात्र छात्राओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग देने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज इसी कड़ी में सीआरपीएफ की 63वीं बटालियन के नवीन मंडी कैंप में 15 दिव्यांग छात्र छात्राओं का चयन कर उन्हें कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए शुरुआत की। सीआरपीएफ का हाथ दिव्यांग के साथ, मानवीय पहल सीआरपीएफ ने शुरू की है। यह उनका सेकेंड फेज है जब 15 दिव्यांग छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने जा रही हैं। देश के अंदर और सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले असामाजिक कार्यक्रमों में भी अपनी हिस्सेदारी तय कर रहे हैं। समाज की सेवा करने की जिम्मेदारी अब सुरक्षा बलों ने भी उठाई है। इसी के तहत अब दिव्यांग छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की ट्रेनिंग सीआरपीएफ देने जा रही है। जनसेतु के लिए अयोध्या से अमित कुमार की रिपोर्ट। सीआरपीएफ को एक जिम्मेदारी दी गई है कि मानवीय संवेदना वर्ष के तहत हम लोगों को ढेर सारे प्रोग्राम जो ज़रूरतमंद लोगों हैं उन तक सहायता पहुंचानी है। इसी मुहिम में हम लोगों ने आज जो दिव्यांश हैं, कुल 15 दिव्यांश यहाँ अयोध्या शहर से और आसपास के गांव से हम लोगों ने सेलेक्ट करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हम लोग बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर। और ये ट्रेनिंग इसी तरह से हम लोगों ने पहले भी चलाया था, क्योंकि ये कई बैचेज में चल रहे हैं, तो आज ये दूसरा बैच हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है दिव्यांग लोग। कितने बच्चों का लक्ष्य रखा है आपने? क्योंकि उनको अच्छा से देख रेख करना है, तो इसलिए हम लोगों ने 15 बच्चों को सिलेक्ट किया है जो ज़रूरतमंद है, और उनको हम लोग कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग फ़िलहाल देंगे।